पर पहले ऋतिक रोशन का हाल है दिल, सुनिए ऋतिक की खास गुजारिश एनडीटीवी इंडिया पर। हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन से, जिनकी शायद इस वक्त यही गुजारिश होगी कि लोग जाएं और उनकी फिल्म देखें, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि फिल्म में उनकी आखिर क्या गुजारिश है। ऋतिक, क्या गुजारिश आप कर रहे हैं फिल्म में? फिल्म में मेरी गुजारिश क्या है? ये तो आपको फिल्म देखने के टाइम में अभी खुल नहीं चाहते, बिट टू अर्ली। संजय के साथ आप काम कर रहे हैं, संजय को कहा जाता है एकदम परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर है, और जो परफेक्शनिस्ट होता है छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत बारीकी से काम करता है। बतौर एक्टर आपको कुछ मुश्किल हुई? उनमें जो पैशन का जो लेवल है वो इतना ऊंचा है दैट मे बी सम पीपल कांट अंडरस्टैंड इट। तो मेरे ख्याल से इफ यू डोंट शेयर दैट सेम पैशन, इफ यू डोंट शेयर दैट सेम विजन, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा पागलपन, क्योंकि एज यू सेड के परफेक्शन के लिए जो यू नो ही इज हिज होल लाइफ इज फिल्म्स, एवरी सिंगल शॉट इज हिज नेक्स्ट ब्रेथ। कई सारी ऐसी खबरें थी कि जैसे म्यूजिक उन्होंने खुद इस फिल्म में दिया, उनको लगा कि कोई और शायद म्यूजिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, या डांस सीक्वेंस की भी बात थी कि उनको लगा कि जो चाहिए उनको नहीं मिल रहा, तो उन्होंने खुद करके दिखाया। कितना सच है? सच है। ऐसा हुआ कि उनके माइंड में जो एक विजन था उसे एक्सप्रेस करते करते ही वंस जस्ट शोड द स्टाइल एंड आई अंडरस्टूड इट एंड सेड वाओ दैट्स फैंटास्टिक यू नो, एंड देन उसी को लेके वी मेड अ स्टेप with Ashley and me, we worked on that step and that step you'll see in the film. एक परफेक्शनिस्ट संजय, दूसरे ऋतिक, सुना आपने बहुत मेहनत की व्हील चेयर पे, कई बार ये भी सुनने को मिला कि आपके फ्लैट के सामने से लोग गुजरते थे, जब आपके घर के सामने से लोग गुजरते थे तो उनको आवाजें सुनाई देती थी ऋतिक रिहर्सल कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? शायद कभी कभी आई शाउट माई लाइन्स आउट, कभी कभी भाई इसके मुझे पैसे मिलते हैं, सो आई हैव टू यू नो मेक श्योर दैट आई नो माई जॉब। जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ। ऐश्वर्या के साथ एक बार फिर आप पर्दे पे, पहले भी दो बार जब आपने काम किया तो फिल्में हिट हुई, कुछ लकी शाम वाला फैक्टर यहाँ पे भी है ऐश्वर्या और ऋतिक के बीच? हो सकता है बट आई एम नॉट वेरी सुपरस्टिशियस, आई बिलीव इन कर्मा, तो जब मैं कोई भी फिल्म में घुसता हूँ आई बेसिकली आई कंसिडर माई सेल्फ एज जीरो एमपी, सो एंड आई थिंक हर अप्रोच टू हर फिल्म्स इज सिमिलर टू माइन, सो वी शेयर द सेम विजन एंड विच इज व्हाई आई थिंक आवर इक्वेशन वर्क्स, we help each other, she helps me a lot, you know, and it's wonderful to find a co-star who you know shares the same kind of passion, same kind of vision. Ritik ko kitna fark padta hai agar koi film kamyab nahi ho pati hai to kitna fark padta hai? Fark kis tarah se padta hai? Obviously disappointment to hoti hai because you give your heart and soul to a film and then it does not work, so obviously you have disappointments, but that's life, you know, you have to have chapters which are painful, which are emotional, and then you rise back again and you keep fighting and you keep, you know, and as Ethan would say, you know, just smile through it all, it's okay, life is good. Thank you, thanks a lot.